वेलकम गाइस, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, रेस IAS एकेडमी। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम आपके समक्ष वीडियो के रूप में करंट अफेयर्स ला रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स, यानी कि 20 मई के कुछ करंट अफेयर्स। और जैसा मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, करंट अफेयर्स जो है ना, वो मैंने हमेशा बताया है कि खास करके करंट अफेयर्स के वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो। रीज़न वही है जो मैं हमेशा बताता हूँ कि जितना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए जितना ज़रूरत होता है, ये जितना ज़रूरी है, उतना ही एक 8, 9, 10, 12 के बच्चे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, खास करके करेंट अफेयर्स के वीडियो को, ताकि जो नीडी पीपल है ना, वो अपनी नीड्स की फुलफिलमेंट कर सके। ठीक है, चलो तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है कि प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्या है पूरा न्यूज़, आइए देखते हैं। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेष ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। सूद कर्नाटक केडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। वह 25 मई को अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। वह सुबोध कुमार जयसवाल जो अभी कार्यरत हैं, उनका स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। उन्हें 3 साल पहले ही राज्य के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली के इंजीनियरिंग के स्नातक की पढ़ाई करने वाले सूद मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्हें मई 2024 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन अब उन्हें 2 साल का निश्चित कार्यकाल मिलेगा और वो कम से कम मई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि घोटाले से घिरे लंदन इंटरबैंक ऑफरेड रेट और मुंबई इंटरबैंक, क्या है ये पूरा न्यूज़, आइए देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों को निर्देश दिया है कि वो एक वैकल्पिक संदर्भ दर, मुख्य रूप से सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट को अपनाएं और घोटाले से घिरे लंदन इंटरबैंक ऑफरेड रेट और मुंबई इंटरबैंक ऑफरेड आउटराइट रेट पर अपनी निर्भरता 1 जुलाई तक समाप्त कर दें। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अधिकांश नए लेनदेन अब नए लेनदेन होने जा रहे हैं वो SOFR और संशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हैं। RBI को उम्मीद है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास 1 जुलाई तक लिबोर से पूर्व संक्रमण को सक्षम करने के लिए आवश्यक प्रणालियां और प्रक्रिया होंगी। नेक्स्ट है हमारा, 595.976 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। कौन पहुंचा है, क्या है ये पूरा न्यूज़, आइए देखते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मई 2023 को समाप्त सप्ताह में 7.196 अरब डॉलर बढ़कर 595.976 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 11 महीने का उच्च स्तर है। इससे पहले एक सप्ताह पहले इसमें 4.532 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियां 6.536 अरब डॉलर बढ़कर 526.021 अरब डॉलर हो गई। स्वर्ण भंडार 65.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 46.315 अरब डॉलर हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित भंडार 13.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.192 अरब डॉलर हो गया है।
-0.92% रह गई है। क्या है ये पूरा न्यूज़, आइए देखते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अनुसार अप्रैल में थोक के मूल्य आधारित मुद्रा फीसदी लाने आधार पर घटाकर -0.92% रह गई है, जो मार्च में 1.34% थी। यह कमी जो है वो ये जो आप कमी दिख रही है, ये जो कमी है ये है रॉयटर्स पोल से अनुमानित 0.2% की गिरावट से अधिक थी। मार्च 2023 की तुलना में अप्रैल 2023 के लिए जो अधिनियम लाए गए हैं WPI, इस महीने के दर पर परिवर्तन 0.0% पर आवर्धित हो रहा है। लगातार 11वें महीने अप्रैल में WPI आधारित मुद्रा फीसदी में गिरावट जारी है। वी प्रणीता ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया है। ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने, वी प्रणीता ने हासिल किया है, ये देखते हैं। ये कहाँ से है, तेलंगाना की 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, ये तेलंगाना की हैं, 15 वर्षीय हैं, शतरंज खिलाड़ी वी प्रणीता ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। राज्य से छठे और भारत के 82वें स्थान पर रही हैं ये। उन्होंने बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान अमेरिका के GM हंस नीमन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस जीत ने उन्हें 2500 विशेष रूप से 2500.5 की ELO रेटिंग को पार करने में भी मदद की है। पहली बैठक ब्रसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई। किस चीज़ की बैठक है ये, आइए देखते हैं। भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिक परिषद की पहली बैठक ब्रसेल बेल्जियम में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिक और सुरक्षा से जुड़े गठन जोड़ में रणनीति चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय मंच बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपने 2022 में नई दिल्ली में TTC के गठन की घोषणा की थी। जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है, उन्होंने यह अनाउंस करा था कि अप्रैल 2022 में ही न्यू दिल्ली में एक TTC की गठन की जाएगी। एविएशन एनालिटिक्स फॉर्म सीरियम, क्या है ये देखते हैं आइए। एविएशन एनालिटिक फॉर्म सीरियम को एक रिपोर्ट के मुताबिक GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है, जो कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड्स मोस्ट पंचुअल एयरपोर्ट है वो आपका GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। हवाई अड्डे ने 90.43% समय का प्रदर्शन दर्ज किया है। यह 90% को पार करने वाला एकमात्र हवाई अड्डा है। हैदराबाद हवाई अड्डे ने वैश्विक हवाई अड्डे और बड़े हवाई अड्डों दोनों श्रेणियों में चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। दूत नियुक्त किया गया है, किसे दूत बनाया गया है ये देखते हैं। भारतीय अमेरिकी नागरिक गीता राव गुप्ता को अमेरिकी विदेश विभाग ने महिला संबंधी मुद्दों के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। गुप्ता की नियुक्ति को अमेरिकी सीनेट ने 51 वोटों से मंजूरी दे दी है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए कि इंडियन अमेरिकन सिटीजन जो हैं गीता राव गुप्ता, उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज एनवॉय फॉर वुमेन इशू। जितने भी वुमेन्स के इश्यूज होते हैं उनके लिए इन्हें इन्वॉय नियुक्त किया गया है US स्टेट डिपार्टमेंट में। तो अब समय था हमारा कि क्वेश्चन ऑफ द डे।
तो क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा क्या था, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये सवाल आपसे पूछा गया था 19 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने थे। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। एक्चुअली देखो क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी, ये प्रमाणित रूप से कहीं पर भी मेंशन नहीं है हमारे हिस्ट्रीज में, लेकिन काफ़ी लोगों का ये मानना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। और ये इलेक्ट्रिसिटी की खोज उन्होंने दो प्रैक्टिकल्स करके की थी, एक कैटफिश के थ्रू, जिसमें जो इससे हम ईल के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी मछली है जो खुद में अपने बॉडी में ही करंट उत्पन्न करती हैं, ताकि अपने जितने भी शिकारी जानवर आते हैं या शिकारी के लिए इंसान भी रहते हैं, उनसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ इन्होंने बारिश के मौसम में एक पतंग उड़ाई थी, जिसमें इन्होंने एक मेटल की चाबी रख दी थी, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उस चाबी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। और वैसा ही कुछ हुआ कि जैसे ही थंडरस्टॉर्म हुआ, चाबी ने इलेक्ट्रिसिटी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। बट हाँ, ये चीज़ एक अच्छी न्यूज़ आई थी उसमें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को उसमें कोई भी हानि नहीं हुई थी। तो इस वजह से, इन दो प्रैक्टिकल्स के वजह से, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं, उन्होंने खोज किया था इलेक्ट्रिसिटी का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है MCQs। आपको पता है हमारे इस वीडियोस में हम कुछ आपको MCQs देते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके आंसर्स भी हम आपको बताते हैं। बट आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा की तरह कि 5 क्वेश्चन में जिनको जितना आंसर आता हो, कितना आप स्कोर करते हो आउट ऑफ 5, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर, मेरे को 5 में 5 या 5 में 4 या 5 में 1 क्वेश्चन का आंसर पता था। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अभी के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज़ द वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 19 मई, 20 मई, 21 मई या 22 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये आंसर देखते हैं। तो विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2018 से हर साल 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन के जितने भी अग्रदूत एंटोन जनासाह की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जितने भी मधुमक्खी, आप जान रहे हो मधुमक्खी जो बी डे है वो 20 मई को मनाया जाता है, और ये 2018 से इसका प्रचलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 मई, दूसरा 17 मई, तीसरा 19 मई या चौथा 20 मई। आइए आंसर देखते हैं। तो 20 मई, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2023 की थीम वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाले मापन है। इस थीम को जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों और 2022 के अंत में 8 बिलियन की आबादी वाली दुनिया में भोजन के वैश्विक वितरण के कारण चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेटेड, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। 15 से 21 मई 2023, 16 से 22 मई 2023 या 20 से 27 मई 2023 या 21 से 28 मई 2023। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो जो यूनाइटेड ग्लोबल नेशन है, जो यूनाइटेड ग्लोबल नेशन है, उनका जो रोड सेफ्टी डे मनाया जाता है, सॉरी रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, वो 15 से 21 मई को मनाया जाता है। 15 से 21 मई तक की जो डेट्स होती हैं, इस पूरे सप्ताह में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली इन विच सिटी द ग्लोबल आयुर्वेदा फेयर विल बी हेल्ड,
हाल ही में किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं आपके तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, न्यू दिल्ली या उत्तर प्रदेश। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का विषय हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। यह कार्यक्रम स्वच्छ चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया भर के आयुर्वेद चिकित्सकों और हितधारकों को एक साथ लाएगा। सो नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज 20 मई के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन है आपका कि इन भारत का टोटल क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल कितना है। और आपको पता है कि हमें आंसर कहाँ भेजने हैं। आपको आपको हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके आंसर बताना है कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो 5 के आंसर्स होंगे, जिन्होंने सही उत्तर दिया होगा उन्हें रेस आई एस अकेडमी की तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द हमें आंसर्स अप्लाई करो, आंसर्स बताओ हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, हमारे रेस आई एस अकेडमी ने एक नया पहल स्टार्ट किया है। आप सभी जानते हैं कि अभी अमृत वेला चल रही है। तो इस अमृत वेला में, जो अमृत काल में फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, खास करके महिला फ्रीडम फाइटर्स, उनको हम आपसे परिचय करवा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, खास करके स्टूडेंट्स, जो उनको फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में नहीं पता है, उन्होंने कभी नाम तक नहीं सुना है। काफ़ी मेल के नाम जानते हैं बट फीमेल के नाम नहीं जानते हैं। तो हम आपके सामने उनका परिचय करवा रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल से जोड़कर हम वहाँ से देख सकते हो। साथ ही साथ जो झारखंड PGT खास करके मैथ्स के बच्चे हैं, वो उनके लिए भी हम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, और कुछ नए क्वेश्चंस भी लेकर हम इस YouTube चैनल पर आ रहे हैं आपके सामने। आए काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ो और जितने भी कंटेंट्स हों उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी बी हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन है आपके मुंबई, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम या नन ऑफ दिस। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो हाल ही में ये जो सम्मेलन है G20, वो सम्मेलन 13 से 14 जुलाई को अपराध और सुरक्षा के अपूर्णीय टोकन और मेटावर्स पर एक G20 सम्मेलन आयोजित करेगा, जो 2 दिवसीय सम्मेलन गुरुग्राम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को साझेदारी में होगा। ये सारे मंत्रालय और ब्यूरो की साझेदारी में ये G20 सम्मेलन होने जा रहा है, और ये गुरुग्राम में होने जा रहा है, जो कि आपका 13 से 14 जुलाई 2 दिवसीय ये सम्मेलन होगा। तो ठीक है गाइज, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आप सभी से कि फॉर योर बेटर फ्यूचर ज्वाइन रेस IAS अकेडमी एशिया। अगर अपनी फ्यूचर को और अच्छे से संवारना चाहते हो तो हमारे अकेडमी के साथ आकर जुड़ो, हमारे संस्थान से जुड़ो। हमसे जुड़ने के लिए आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, हमारा एड्रेस मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी आकर हमसे जुड़ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जिनको ये वीडियो PDF के फॉर्मेट में चाहिए, करंट अफेयर्स के, उनको जिनको भी PDF के फॉर्मेट में चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जुड़कर किसी भी डेट का PDF फॉर्मेट में करंट अफेयर्स ले सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हैं, सब्सक्राइब करो वीडियोस को। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारे लिए एक इंडिकेशन का रूप है। इससे हमें ये इंडिकेट होता है कि हमने जो मेहनत करी है वीडियो बनाने में, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियली हो रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस।
एट लास्ट थैंक यू, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, टाटा बाय बाय।